अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं नाश्ते के साथ। नाश्ते में आज है बटर एंड जैम का सैंडविच। मेरे लिए नहीं है, मियाँ जी के लिए बन रहा है। चाय का पानी मैं रख चुकी हूँ, बस इस पर जैम लगाएंगे, बटर लगाएंगे और ये सैंडविच चाय के साथ वो आज उनका ये नाश्ता होगा। अच्छा, स्मूदी से वो थोड़े से बोर हो गए, तो ऑब्वियसली एक ही चीज़ आप इतने देर से पी रहे हो, लाइक 2-2.5 महीने तो उनको हो गए थे। बीच में कभी कभी वो ऑमलेट ले लेते थे, कभी फ्राइड है, कभी हाफ फ्राई, कभी उबला हुआ अंडा, ये भी होता था। ये नहीं कि नॉन स्टॉप 2.5 महीने उन्होंने वही पिए, लेकिन ये ज़्यादातर वीक में 4 डेज तो यही स्मूदी होती थी और 1-2 दिन इस तरह का कोई हल्का फुल्का नाश्ता हो जाता था। तब तो उन्होंने बोला कि मुझे एक हफ्ते का ब्रेक चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। तो मैंने कहा चले उनको 3-4 दिन का ब्रेक दे देते हैं। तो यहाँ पर ये इजी पीजी सा नाश्ता रेडी हो गया बटर एंड जैम का, साथ में ये चाय है। चाय निकालते हैं, सैंडविच देते हैं उनको, वो नाश्ता करते हैं, वो काम पर जाएंगे, फिर हम अपना ब्लॉग का बकायदा से आगाज़ कर देंगे। जी सो जी ये लेमन आए हैं कहीं से। अच्छा, मेरे हस्बैंड के जो उमानी फ्रेंड्स हैं उनके घरों में जैसे अभी खजूर का सीज़न था, तो माशाल्लाह मेरे घर बहुत खजूर आई है। लाइक मुझे पूरा साल खजूरें ख़रीदने का तो मौका मिलता ही नहीं है बाहर से, क्योंकि गिफ्ट इतने आ जाते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर लोग खजूर या खजूर का हलवा ही तोहफे में देते हैं। तो खजूरें रमज़ान में बहुत ज़्यादा आई थी मेरे पास, अभी वो ख़त्म नहीं हुई थी। तो अभी 1-1.5 महीना पहले ही यहाँ पर खजूर का सीज़न था, जब उन फसलें लगें, फिर उन्होंने साफ़ की, स्टोर की, फिर उन्होंने बेची और फिर गिफ्ट भी किए। तो तब भी मुझे बहुत ज़्यादा खजूरें ऐसे गिफ्ट आई थी। तो अभी आई थिंक लेमन का सीज़न आया हुआ, तो अभी ये लेमन का फुल बैग आया मेरे पास। तो ये 2 दिन से मेरे हस्बैंड के ऑफिस में पड़ा हुआ था, इसलिए वो बेचारे कुछ गल भी गए हैं इसमें। तो मैंने कहा इनको निकाल के साफ़ वाले अलग कर लेती हूँ। वैसे तो गर्मियों का सीज़न एक तरह से चला ही गया, लेकिन यहाँ पर गर्मी होती है कि हम अक्सर दोपहर में लीमू पानी बनाकर या जो शिकंजबीन होती है वो बनाकर मेरे हस्बैंड पीते हैं जब वो ऑफिस से आते हैं गर्मी से बाहर से। तो अक्सर मैं वो बनाती हूँ डेली बेसिस पे। तो ये तो बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छे लीमू हैं जो बिल्कुल घर के देसी होते हैं ना, जिनका टेस्ट भी अलग होता है, फ्लेवर भी अलग होता है, और ये इनका लीमू पानी पीने का मज़ा ही हो रहा है। तो ये बिल्कुल ख़राब है, इनको मैं फेंक दूँगी क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है। और वो माशाल्लाह से इतने ज़्यादा है, वो अब डेली बेसिस पर हम लोग वो वाले लीमू यूज़ करेंगे। सलाद में जाएगा, खाने में तो इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन सलाद में चला जाएगा, लीमू पानी बन जाएगा, ग्रीन टी में चला जाएगा। और अभी मैं इनको बैग में डालकर फ्रिज के वेजिटेबल वाले बॉक्स में रख दूँगी, उसमें ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे अगर आप इसको प्लास्टिक बैग में डालकर रखेंगे तो। जी दोपहर में खाने में बन रही है आज आलू पालक, जो कि मेरे घर में शायद 2 सालों बाद बन रही होगी आलू पालक। मुझे पर्सनली आलू खाने में नहीं पसंद, एक्सेप्ट आलू मेथी और आलू कीमा, इसके अलावा मुझे आलू किसी चीज़ में अच्छा नहीं लगता। अगर मैं कभी डाल भी देती हूँ, जैसे आलू गोश्त हो गया या जो भी आलू वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, तो मैं नहीं खाती, मैं निकाल देती हूँ या मैं उतने ही आलू डालती हूँ जो मेरे हस्बैंड खा लें, और वो भी अक्सर छोड़ ही देते हैं। तो मुझे पर्सनली सब्ज़ियों में आलू नहीं पसंद, मैं इतने शौक़ से नहीं खाती। तो इसलिए मुझे उस दिन बिरयानी में भी आया कि रेसिपी तो सही कराची वाली है, लेकिन इसमें आलू नहीं है क्योंकि मुझे आलू पसंद ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो खैर जी, आज मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी। बात ये है कि मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि अपने डॉक्टर का पता दे दें, आप पाकिस्तान में कहाँ से ट्रीटमेंट करवा के आई थी, आप कौन सी मेडिसिन ले रही हैं, और इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे DM में आते हैं और अक्सर मुझसे लोग कॉमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं। तो मेरी अभी तक कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, इंशाल्लाह जब होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर, क्योंकि इस सिचुएशन से जिससे मैं गुजर रही हूँ और मेरे साथ बहुत से लोग और भी गुजर रहे हैं, तो उनके साथ मैं कुछ ऐसा तो शेयर नहीं करूँगी जिसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है, जिन लोगों ने कंसीव किया है किसी डॉक्टर से, किसी ट्रीटमेंट से, और वो शेयर करना चाहते हैं अपने सक्सेस स्टोरी, कोई वजीफ़ा है, कोई डॉक्टर है, मेडिसिन ना रिकमेंड करिएगा, डॉक्टर का बताइएगा जिससे आपने वो मेडिसिन लिया या ट्रीटमेंट लिया, सो डैट एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ये चीज़ दूसरे तक जा सके।
मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि कोई मेडिसन्स ना शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का मसला अलग है, तो इसलिए आप अपने डॉक्टर का पता बता दें जिससे आपको सक्सेस मिली है, आपने कंसीव किया है माशाल्लाह से, तो वो आप नीचे शेयर कर सकते हैं, या कोई वजीफ़ा है तो वो शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरे साथ बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं शेयर ही नहीं कर पाती, क्योंकि तब तक आप कोई चीज़ ना शेयर करें जब तक आपको उससे फ़ायदा ना हो। अब जब तक मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो आप लोगों के साथ मैं क्या शेयर कर पाऊँगी। तो इसलिए जिन लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है, कितने भी साल आपकी शादी को हो गया हो, या कोई ट्रीटमेंट है, कोई डॉक्टर है, तो वो ज़रूर नीचे शेयर करें, सो डैट हमें भी इससे हेल्प हो। और अभी मेरा भी चक्कर लगना पाकिस्तान, तो अगर मुझे कोई डॉक्टर समझ में आए तो मैं भी उसको ज़रूर विज़िट करूँगी। लेकिन जो मेरी बहनें स्पेशली मुझसे पूछती हैं पाकिस्तान से कि हमें बताएं डॉक्टर का, मेडिसिन का, तो उनको मैं कुछ नहीं बता पाती, तो उनकी हेल्प आप लोग करिए। जिन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर ये आज आपने शेयर करना है, सो डैट काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिल जाए और आप सवाब कमाएँ फ्री में। तो जी यहाँ पे मेरा ऑर्डर आ गया है जिसमें मैंने कुछ ग्रोसरीज मंगवाई थी कारफोर से, तो अभी मैं चेक कर रही हूँ कि सारा सामान पूरा है, क्योंकि अगर कोई चीज़ मिसिंग है या कोई रॉन्ग आइटम आ गया है तो वो फिर आप कंप्लेन करें तो फौरन ही उस पे जी अमल हो सकता है, अदरवाइज़ फिर मसला लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, अब कल मैंने बनाना है पिज्ज़ा, तो उसके लिए मैंने मोज़रेला चीज़ मंगवाई थी फ्रेश, तो यहाँ का फ्रेश जो उनका होता है ना, वहाँ से आप ऑर्डर करें तो बिल्कुल फ्रेश वाला चीज़ वो आपको भेजते हैं। तो जब मेरा कभी कारफोर चक्कर लगे तो मैं वहाँ से उनसे मशीन से श्रेड करवा लेती हूँ, आज मैंने मेंशन नहीं किया तो उन्होंने इसे स्लाइस में कट कर दिया। साथ में ये है जी चिकन फ्रैंक्स जो के होते हैं सॉसेजेस, वो मंगवाए हैं मैंने, अंडे मंगवाए हैं कुछ थे, कुछ मैंने और मंगवा लिए, क्योंकि मैंने कहा अभी दो दिन बाद फिर दोबारा मुझे ऑर्डर ना करना पड़े, तो मेरी कोशिश होती है मैं राउंड फिगर कर लूँ, सो डैट अगर एक जैसे दूध अंडा ये तो आना ही आना होता ब्रेड, तो ऐसी चीज़ मैं डाल देती हूँ अपनी आइटम्स के अंदर जो कि आपकी वीक में यूज़ हो जानी होती है। तो ये रही ब्रेड, साथ में आया है जी, साथ में जी चना दाल है जिसके शामी कबाब बनेंगे, हॉट सॉस है, टमाटो पेस्ट है, साथ में जी है कोक ज़ीरो, और ये कुछ सब्ज़ियाँ हैं जो कि मुझे चाहिए थी, ये मैंने मंगवाई हैं। अच्छा बेस्ट थिंग ये हो गई है कि अब कारफोर पर आप कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन आ गई है, पहले सिर्फ कार्ड होता था, तो अगर कोई चीज़ रह गई है या ज़्यादा डबल चार्ज हो गई है तो वो फिर उसकी जो होती थी ना वापसी वो मुश्किल हो जाती थी, अब कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश दें और सामान रिसीव कर लें, बेस्ट हो गया अब। तो चलें जी ये थी कुछ चीज़ें जो कि मैंने मंगवाई थी। अच्छा अभी हम लोग घर से निकले हैं बाहर, आज हस्बैंड जल्दी आए थे, हमें एक काम था तो वो काम फिनिश करके अभी हम लोग आ गए हैं जी यहाँ पर फ्यूल डलवाने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे जी एक ड्राइव पर, और वहाँ पर जाने के लिए हम यहाँ पर रुक के ले रहे हैं जी सैंडविचेस। तो यहाँ से मैंने जो लिया है ना वो लिया है तंबोल, उसमें क्या होता है कि जी बहुत ही पतला वाला खुब्बस जो होता है ना वो होता है, उसके अंदर सारी फिलिंग होती है चिकन की, और बहुत मज़े का सैंडविच होता है क्योंकि इसमें ब्रेड कम होती है। तो बस ये सैंडविच लिया हम लोगों ने और ये लेकर आ गया हम इस साइड पर जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, मौसम इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर आप वॉक भी कर सकते हैं। तो वो पीछे जो आप साइकिल देख रहे हैं ना, इस साइकिल को चलाने के लिए आए हैं जी हम। तो हस्बैंड ने यहाँ पर अपना खाना खाया क्योंकि आज टाइम था, तो उन्होंने ये अपनी साइकिल निकाली है जो कि काफ़ी टाइम से उन्होंने लेकर रखी हुई थी लेकिन चलाई बहुत कम थी। तो अभी मौसम जैसे कि चेंज हो गया तो उन्होंने कहा कि चलते हैं बाहर कुछ खा लेंगे और साथ में वो अपने ये साइकिलिंग वाला जो शौक है ना वो भी पूरा कर लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतना शौक है फिटनेस का लेकिन थायराइड की वजह से वो हैवी वर्कआउट नहीं कर पाते क्योंकि उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। जिम की सब्सक्रिप्शन उन्होंने कई बार लिया लेकिन उसके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए, तो वो भी उनका नहीं हो पाता, जिम जाना भी उनका नहीं हो पाता।
तो बस यहाँ पर अभी वो साइकिल चलाकर अपना जो अरमान है ना वो पूरा कर रहे हैं। तो मैंने भी यहाँ पर काफ़ी देर वॉक की है। अभी वो गए थे उस साइड पर चक्कर लगाने, मैंने कहा जितनी देर वो लंबा सा राउंड लगा कर आते हैं साइकिल पर, मैं यहीं पर थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। जी हस्बैंड जी ने तो अपने शौक पूरे कर लिए हैं, एक लंबा सा राउंड लगाया। ये रोड बहुत बड़ा है और काफ़ी डिस्टेंस है ये। तो खैर उन्होंने अपने अरमान पूरे कर लिए हैं। मौसम अच्छा था तो मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पर मैंने भी वॉक किया इस रोड के ऊपर, नीचे कच्चे पर ही, क्योंकि कच्चे पर चलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ज़्यादा मैंने जुल्म नहीं किया अपने पाँव के ऊपर। तो खैर जी अभी हम लोग आए हैं स्टोर पर, मैं ही आई हूँ, हस्बैंड गाड़ी में ही है। तो मुझे चाहिए था ज़ीरा चाहिए था और मुझे गरम मसाला चाहिए था, तो वो दोनों चीज़ें लेने के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर। और साथ में हम अपनी मीठे की क्रेविंग को फुलफ़िल करेंगे आइसक्रीम के साथ, तो मैंने कहा वो भी ले लेते हैं। तो मैंने ली है ये वाली नेस्ले की, ये जो नई आइसक्रीम आई है, इट्स सो 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 गुड, स्पेशली ओरियो वन। अपने लिए मैंने ओरियो ली है और हस्बैंड के लिए मैं लेने लगी हूँ किटकैट। तो ये दो लेंगे यहाँ से, साथ में मैंने ज़ीरा और गरम मसाला लिया बकाया, तो मुझे कुछ चाहिए नहीं था। तो कुछ ना कुछ देखें, अभी मैंने ग्रोसरीज मंगवाई भी हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता आपका। तो बस ये वो मैंने यहाँ से लिए हैं और अभी चलते हैं गाड़ी में, घर चलेंगे और फिर जाकर आराम करेंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। आज हस्बैंड जल्दी आ गए थे तो ये काम हो गया जी, शौक पूरा हो गया उनका साइकिल चलाने का। और ऐसा में टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है रात में, क्योंकि वो इतना उनका शेड्यूल अजीब सा होता है ना कि कभी भी हम लोग वॉक करने नहीं जा सकते इकट्ठे, या वर्कआउट नहीं कर सकते। तो चले जब कभी कभी ऐसा मौसम अच्छा हुआ तो जल्दी अगर वो आ गए तो ये भी शौक पूरे हो जाएंगे मेरे। तो चले जी, आपने नीचे कमेंट करके अपनी सक्सेस स्टोरी या डॉक्टर का एड्रेस, डॉक्टर का नाम ज़रूर शेयर करना है। कुछ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को एक उम्मीद मिल जाती है, एक गाइडेंस मिल जाती है। तो ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, आई विल सी यू टुमारो गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।